ओम नमः शिवाय। भक्त घाटन दास मीणा की कहानी। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और रोचक होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ में बने रहना। भगवान और भक्त का एक ऐसा मिलन जिसे देख करके आपके हृदय में भगवान के प्रति अपार श्रद्धा पैदा हो जाएगी। दोस्तों, यह कहानी श्री घाटम दास मीणा जी की है। इनको जन्म से ही चोरी करने के संस्कार दिए गए थे। चोरी करना, डाका डालना और लूटपाट करना घाटम जी का पारिवारिक पेशा था। एक बार की बात है कि घाटम जी किसी वन में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि किसी वृक्ष के नीचे अश्रु प्रवाहित करते हुए कोई संत बैठे हुए हैं। वह संत भगवान के ध्यान में मगन थे। संतों के दर्शन से तत्काल पाप नष्ट हो जाता है। बहुत से तीर्थों का लाभ उसी समय मिल जाता है तो बहुत समय बाद भी मिलता है, लेकिन संतों के दर्शन का लाभ उसी क्षण मिल जाता है। घाटम जी उनके पास गए। उनके हृदय में बड़ा आनंद उमड़ पड़ा। उनका मन हुआ कि वह उन्हें झुक करके प्रणाम करें और उन्होंने सिर झुका करके उन संत को प्रणाम किया। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार किसी को प्रणाम किया था। उन संत ने देखा कि कोई उन्हें प्रणाम कर रहा है। संत को यह देख करके बड़ा आनंद हुआ कि इस जीव पर प्रभु की कृपा हुई है। घाटम जी ने सोचा कि ऐसा कौन सा सुख है जिससे बिना किसी भोग सामग्री और व्यवस्था के भी इनके अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। उन्हें लगा कि जरूर उनके पास कोई महान सुख है। महात्मा जी ने कहा कि बैठ जाओ बेटा, जल्दी तो नहीं है। महात्मा जी की बात को सुनकर के घाटम जास जी उनके समीप बैठ गए। महात्मा जी ने कहा कि देखो बेटा, जीवन बड़ा कीमती है। इस जीवन को सदा भगवान के चरणों में लगाए रखना चाहिए और कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए। संत ने घाटम जी के उनके काम काज के बारे में जब पूछा तो घाटम जी ने बताया कि मैं चोरी करता हूँ, डाका डालता हूँ, लोगों को लूट लेता हूँ। महात्मा जी ने कहा कि यह तो बड़ा निंदनीय काम है। दूसरों के धन को चुराने से, उन्हें बीड़ा देने से इस लोक और परलोक सब नष्ट हो जाता है। तुम्हारे ऊपर भगवान की कृपा हुई है, नियम ले लो कि तुम आज के बाद कभी भी चोरी जैसा अपराध नहीं करोगे। घाटम जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि यह कदापि नहीं हो सकता प्रभु, यही मेरी जीविका है और बचपन से हमें हमारे पुरखों ने चोरी करना सिखाया है। मेरे पूज्य जनों ने मुझे नियम दिया है कि मैं कभी यह चोरी का धंधा न छोड़ू। आप में मुझे विशेष श्रद्धा हो रही है। मेरे हृदय का खिंचाव आपकी तरफ होता चला जा रहा है। आप इसके सिवा और जो चाहे उपदेश दे दीजिए। यदि मैं आपको वचन दे दूंगा तो आजीवन मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। उन संत ने कहा कि अगर तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते तो मेरी यह चार बातें मान लो। पहली बात है कि सदा सत्य बोलना, और दूसरी बात है कि साधु सेवा में बड़ा आनंद और रुचि रखना। जब भी कोई संत दिखाई दे तो उन्हें प्रणाम करना और उनसे आदर और नम्रता से बात करना। कभी तुम्हारे घर में यदि कोई संत आ जाए तो उन्हें भूखा मत जाने देना। उनको जल पिलाना, भोजन खिलाना और उनकी सेवा करना जो कुछ भी तुमसे बन पड़े। और तीसरी बात, आज के बाद बिना प्रभु को अर्पण किए हुए जल भी मत पीना और न ही अन्न खाना। और चौथी बात यह कि कहीं भी अगर भगवान की आरती हो रही हो तो बिना दर्शन किए वहां से मत जाना। घाटम जी ने संत जी को प्रणाम किया और जीवन भर उन चार बातों का पालन करने का उस संत को वचन दे करके वे वहां से चले गए। घाटम दास जी लूट पाट आदि करके धन लाते, उस धन से साधु सेवा करते और फिर जो कुछ भी बचता उससे अपने परिवार को पालन पोषण करते। एक दिन की बात है कि संतों की मंडली उनके घर पर आई तो उन्होंने तत्काल उठ करके संतों को दंडवत प्रणाम किया और सभी को बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया। उन्होंने देखा कि घर में कुछ खाने के लिए नहीं है तो उन्होंने बाजार जाकर के दुकानदारों से उधार मांगने की चेष्टा की, लेकिन दुकानदारों ने उन्हें मना कर दिया। उस समय गेहूं की फसल की कटाई चल रही थी। उन्होंने देखा कि किसान लोग सो रहे हैं। वे एक बड़ी सी चादर लेकर के गए और जल्दी से गेहूं भर करके उसमें ले आया और संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। घाटम जी बड़े तंदुरुस्त थे तो खेत में उनके पैरों के चिन्ह बन गए। साधु जनों को खिलाते समय वे सोच रहे थे अब तो वो पक्का फंसेंगे, क्योंकि जब किसान जाएंगे और पैरों के चिन्ह देखेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि ये घाटम जी के पैर के निशान हैं। जैसे जैसे संत जन वो प्रसाद खा रहे थे वैसे वैसे ही धूल भरी आंधी चली और बरसात हो गई और उनके पैरों के निशान मिट गए। यह बात देख करके घाटम जी को और भी विश्वास हुआ कि साधु सेवा कभी उन्हें फंसने नहीं देगी। उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ और संत सेवा के प्रति उनकी श्रद्धा और बढ़ गई। एक बार की बात है कि कोई उत्सव था तो घाटम जी ने सोचा कि गुरुदेव के पास क्या ले जाए। उनको लगा कि उत्सव में
तो गुरुदेव के पास सब कुछ सेवा पहुंचनी चाहिए, पर उनके पास एक पैसा भी नहीं था। उन्होंने निश्चय किया कि रात्रि में चोरी करते हैं और जो भी मिला उसे सुबह गुरुदेव की सेवा में दे देंगे। गाटम जी ने एक फौजी सिपाही का वेश बनाया और एक राजा के अस्तबल में जाकर के घुस गए। रात में पहरेदारों ने जब गाटम जी को आवाज दी कि कौन है, गुरु की सत्य बोलने की आज्ञा को मानते हुए गाटम जी ने कहा कि मैं चोर हूं। पहरेदार ने सोचा कि अगर चोर होगा तो थोड़े बोलेगा कि मैं चोर हूं। पहरेदारों को लगा कि यह कोई राजा का बहुत खास आदमी है, तभी यह हंसी में निर्भय होकर के कह रहा है कि मैं चोर हूं। सिपाही के वेश में घाटम जी ने राजा के घोड़ों में से एक बड़ा अच्छा सा घोड़ा लिया और उसी पर सवार होकर के वहां से निकल लिए। उनकी वेशभूषा को देख करके पहरेदारों ने पुनः उनको रोकने का प्रयास नहीं किया। वहां से निकल करके उन्होंने सोचा कि घोड़े को कहीं बेच देंगे, और रास्ते में प्रातःकाल ठाकुर जी की मंगल आरती हो रही थी। उन्होंने सोचा कि गुरुदेव ने कहा था कि जहां भी आरती हो रही हो तो दर्शन जरूर करना चाहिए। घाटम दास जी ने तुरंत वहीं घोड़े को बांध दिया और आरती के दर्शन करने के लिए चले गए। जब पहरेदारों ने सोचा कि राजा का कोई आदमी होता तो सबको सूचना होती, तब उन्हें समझ आया कि वास्तव में वह चोर ही था। राजा के सैनिकों ने पीछा किया और वहां आए जहां पेड़ से घोड़ा बंधा हुआ था और घाटम दास जी आरती में दर्शन करने के लिए गए हुए थे। सिपाहियों ने देखा तो घोड़ा वहीं पर था और उसका रंग बदल चुका था। काले रंग का घोड़ा सफेद रंग का हो गया था। सिपाही वहां खड़े हो गए कि घोड़ा तो यही है, पर यह तो काला था, यह सफेद कैसे हो गया। इतने में आरती के दर्शन करके घाटम जी मंदिर के बाहर निकले। सिपाहियों ने उनसे पूछा कि यह घोड़ा वही है ना जो तुम रात्रि में चुरा करके लाए थे, सत्य बोलना था। घाटम जी ने कहा कि हाँ, मैं वही चोर हूँ जो घोड़ा चुरा करके ले गया था, और तुमने पूछा तो मैंने बताया भी था कि मैं चोर हूँ। सिपाहियों ने पूछा कि वह घोड़ा तो काला था, ये सफेद कैसे हो गया। घाटम जी कहने लगे कि यह तो ठाकुर जी जाने, मेरे गुरु जी ने कहा था कि जहां भी आरती हो रही हो तो प्रभु के दर्शन करके वहां से तभी जाना, इसीलिए मैं दर्शन करने गया था, इतने में घोड़ा सफेद हो गया, ये मेरे गुरु जी का कोई चमत्कार होगा। यह बात सुनकर के सभी सिपाही जो भी थे वह आश्चर्यचकित हो गए। सिपाहियों ने घाटम दास जी और घोड़े को साथ लिया और राजा के पास जाकर के सारी बात बता दी। घाटम जी की सत्यता और गुरु वचनों में दृढ़ निष्ठा को देख करके राजा बड़ा प्रभावित हुआ। राजा ने कहा कि तुम चोर हो पर सत्य बोलते हो और संत आज्ञा का पालन करते हो, इसलिए घोड़े का रंग बदल गया। राजा ने कहा कि जो प्रभु अपने जन के लिए ऐसा कर सकते हैं उनकी निश्चित ही हमारे ऊपर कृपा होनी चाहिए, और कृपा तो तभी होगी जब हम आपका सम्मान करेंगे। राजा ने बहुत सारी संपत्ति घाटम जी के नाम कर दी। उस संपत्ति को लेकर के घाटम जी गुरु के चरणों के दर्शन करने के लिए गए। घाटम जी की अपने गुरु पर श्रद्धा और बढ़ गई कि मुझ जैसे चोरी करने वाले को जहां राजा से दंड मिलना चाहिए था वहां मुझे सम्मान मिला है। वे गुरु और गुरुजी को भेंट समर्पित की उत्सव में सम्मिलित हुए। उन्होंने उसी दिन से निश्चय करके गुरुदेव से कहा कि गुरुजी, आपने जो पहली बार मुझसे चोरी करने के लिए मना किया था, आज से मैं नियम लेता हूं कि अब मैं जीवन में कभी चोरी नहीं करूंगा। आपकी कृपा से मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूं। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब चोरी वह कभी कदाप अपने जीवन में नहीं करेंगे। घाटम जी को अब सत्संग सुनते हुए साधु सेवा करते हुए काफी दिन बीत चुके थे। अब उनके मन में आया कि ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, कभी उनसे मिलना चाहिए। बहुत दिनों तक उन्हें ठाकुर जी नहीं मिले तो उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने ठाकुर जी से नाराज होकर के कहा कि पहले तो मैं बिना नहाए खाता था और अब मैं आपके लिए नहा करके खाता हूँ और आपको अर्पित करके खाता हूँ, और पहले मैं कभी कंठी माला और तिलक आदि नहीं लगाता था, पर अब मैं आपके लिए गले में कंठी धारण करता हूँ, माथे पर तिलक लगाता हूँ, केवल आपके लिए। प्रभु, आपके लिए मैं इतना कर रहा हूँ, आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं, क्या आप मुझे दर्शन देंगे। प्रभु उनकी यह बात सुनते ही तत्काल वहां प्रकट हो गए। दोस्तों, प्रभु संतों के वचनों को सत्य करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। सत्संग के प्रभाव से घाटम जी का पूरा जीवन बदल गया। पहले वो सोचते थे कि कहीं जाकर के चोरी करनी है, और अब वे सोचते थे कि कौन से साधु कहां और कब पधारे हैं और उनकी सेवा किस तरह से करनी चाहिए। जब वो चोरी करते थे तब सिपाही हथकड़ी लिए उनको बंदी बनाने के लिए घूमा करते थे, और जब संत समागम हुआ तो लोग उनके चरणों की रज को अपने माथे पर लगाने के लिए घूमा करते थे। दोस्तों, घाटम दास जी ने एक संत की शरण ली और उनके वचनों का पालन किया तो भगवान के दर्शन पाकर के वे भगवान के परम भक्त बन गए। दोस्तों, कहते हैं कि कैसा भी दुष्ट हो, दुराचारी हो, यदि उस पर किसी संत की कृपा हो जाए तो उसके लिए भगवान का दर्शन और भगवान की भक्ति कोई भी दुर्लभ नहीं रहता है। संसार में सारे कार्य जो कोई नहीं कर सकता है वह भगवान का कृपा पात्र एक व्यक्ति कर सकता है।
दोस्तों ऐसी भक्त और भगवान की लीला सुनने के लिए यदि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। दोस्तों यह कहानी आपको कैसी लगी है प्यारा सा कमेंट करके बताना, और यदि कहानी आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कृपा भी कर देना और इस वीडियो को लाइक शेयर भी करना। दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे।